दर्शन को शनिवार को वाकी दरगाह में दर्शन करने के बाद वाकी के कन्हान नदी के तट पर नहाने गई महिला की डूबने से मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार शनिवार को नागपुर के हरिहर नगर निवासी महिला जयश्री धर्मेंद्र सोनटक के अपने ऑटो चालक मित्र मदन काले के साथ ऑटो में बैठकर वाकी पहुंची। यहां दोनों ने वाकी की दरगाह में दरियान किए और फिर दोनों वाकी के कन्हान नदी तट पर एक पत्थर पर जा बैठे। कुछ देर बाद जयश्री को नदी में नहाने की इच्छा होने से उसने मदन से कहा कि वह नहाने जा रही है, इसलिए वह अपना मुंह दूसरी ओर फेर ले। मदन के मुंह फेरने के बाद जयश्री नदी में उतरी, लेकिन उसे पानी की गहराई का अंदाजा नहीं होने से वह डूबने लगी। नदी के पानी का प्रवाह तेज होने से वह पानी में बहती चली गई और देखते ही देखते जयश्री डूब गई। इसके बाद उसके मित्र मदन ने शोर मचाकर लोगों को इकट्ठा किया, लेकिन किसी को भी तैरना नहीं आने से जयश्री को बचाया नहीं जा सका। घटना की जानकारी खापा पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थानीय तैराकियों की मदद से जयश्री का शव ढूंढने की कोशिश की, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। अंधेरा होने से रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया गया। रविवार को फिर से प्रयास करने की जानकारी है। सावनेर से NBCN न्यूज के लिए संवाददाता किशोर ढूंढेली की रिपोर्ट।